नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आज गुरुवार है, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम, जहां हम दिखाएंगे आपको वो सभी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब पर, आपकी जिंदगी पर सीधा असर। तो चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। अगर आप सड़क पर खड़े वाहनों से परेशान हैं तो अब आप ऐसे वाहनों की फोटो खींचकर सरकार से इनाम पा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से सड़क पर खड़े वाहन की तस्वीर भेजता है तो उसे 500 रुपये का इनाम मिलेगा। सरकार जल्द ही इस तरह का एक कानून लाने जा रही है। वहीं पार्किंग गलत तरीके से करने वाले वाहन मालिक को 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क पर गलत तरीके से खड़े वाहन खड़ा करने की जो प्रवृत्ति है उसको रोकने के लिए सरकार एक कानून लाने पर विचार कर रही है। गडकरी ने कहा कि जल्द ऐसा कानून आने वाला है जिसके तहत रोड पर वाहन खड़ा करने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं गलत तरीके से वाहन खड़ा करने की तस्वीर, जो वाहन खड़ा है उसकी जो तस्वीर भेजेगा उसे 500 रुपये का इनाम मिलेगा, उसे 500 रुपये इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। ATF के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर, एयरलाइंस ने शुरू की किराया बढ़ाने की तैयारी। अगले कुछ दिनों में हवाई जहाज के किराए बढ़ने वाले हैं। जी हां, ऐसा होगा जेट फ्यूल प्राइस में हालिया बढ़ोतरी के कारण। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF की कीमत 16% से ज़्यादा बढ़ा दी है। इस बढ़ोतरी के बाद देश में हवाई ईंधन की कीमतें अपने ऑल टाइम हाई पर पहुँच गई हैं। महामारी की वजह से पिछली कुछ तिमाहियों से भारी घाटे में चल रही एविएशन इंडस्ट्री अभी भी रिकवरिंग फेस में है। ऐसे में जेट फ्यूल का महंगा होना निश्चित ही एयरलाइंस के ऑपरेशनल कॉस्ट और प्रॉफिट मार्जिन को हिट करेगा। घरेलू एयरलाइंस कंपनियों के लिए दिल्ली में ATF की कीमत 141,232 रुपये प्रति किलो लीटर होगी। स्पाइस जेट के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह का कहना है कि विमान ईंधन के दामों में हुई ताज़ा बढ़ोतरी और डॉलर के आगे रुपये के कमज़ोर पड़ने से घरेलू एयरलाइंस के पास हवाई किराया तत्काल बढ़ाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। एयरलाइंस कंपनियों की ऑपरेशनल कॉस्ट वाइबल बनी रहे इसके लिए हवाई किराए में कम से कम 10-15% की वृद्धि करना अब ज़रूरी हो गया है। पेंशनर्स के लिए आ रहा है खास पोर्टल भविष्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगा लैस। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग पेंशनर्स के लिए जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एक साझा पोर्टल शुरू करने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेंशन भुगतान और ट्रैकिंग के लिए एक पोर्टल भविष्य के बारे में कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस पोर्टल पेंशनर्स के मोबाइल फोन पर ऑटोमेटिक संदेश भेजेगा। ये प्रस्तावित पोर्टल न केवल देश भर में पेंशनर्स और उनके संगठनों के बीच निरंतर संपर्क सुनिश्चित करेगा बल्कि त्वरित प्रक्रिया के लिए उनके सुझाव के साथ साथ उनकी शिकायतें भी नियमित रूप से प्राप्त करेगा। ये भविष्य पोर्टल सेवानिवृत्त कर्मियों और सेवानिवृत्त होने जा रहे कर्मचारियों को पेंशन की प्रक्रिया त्वरित रूप से पूरी करने में मदद करेगा। SBI ने किया होम लोन महंगा, बैंक ने बढ़ाई MCLR। देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट को बढ़ा दिया है। नई दरें 15 जून से लागू हो चुकी हैं। SBI अब ग्राहकों को सबसे कम 7.55% सालाना ब्याज दर पर लोन दे रहा है। इसके लिए लोन लेने वालों का सिबिल स्कोर 800 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। 750 से 799 वाले सिविल स्कोर जिनका है उनको 7.65% की ब्याज दर से लोन मिलेगा। 700 से 749 स्कोर वालों के लिए ब्याज की दर 7.75% और 650 से 699 स्कोर वालों को लोन 7.85% पर मिलेगा। पहले SBI का MCLR रेट 7.20% था, इसे रिवाइज कर 7.40% कर दिया गया था। SBI के MCLR बढ़ाने से ऑटो, होम और पर्सनल लोन महंगे हो जाएंगे। WhatsApp पर मिलेगा इंस्टेंट लोन, कैश ई ने शुरू की है एक नई सर्विस। पर्सनल लोन और फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म कैश ई ने इंस्टेंट लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए WhatsApp पर आधारित क्रेडिट लाइन सर्विस शुरू करने की घोषणा की है। इस प्लेटफॉर्म पर AI ड्रिवन WhatsApp बिजनेस इंटरफेस होगा जो यूजर से सीधे बात करेगा। कंपनी का दावा है कि वो बिना डॉक्यूमेंट के, बिना ऐप डाउनलोड किए, बिना कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरे तुरंत लोन उपलब्ध कराएगी। भारत में WhatsApp यूजर्स को कैश ई की तरफ से एक प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट दी जाएगी। कैश ई के ऑफिशियल WhatsApp नंबर पर हाई टाइप कर इस सेवा का उपयोग किया जा सकता है।
एआई पावर्ड बोट इस सर्विस को सपोर्ट करेगा जो यूजर्स के इनपुट को मैच करेगा और एक फॉर्मल एप्लीकेशन बनाने के साथ ही केवाईसी चेक भी करेगा। टेलीकॉम कंपनियों की तरह अब आप भी चुन सकेंगे बिजली कंपनी भी। सरकार जल्द एक ऐसा कानून लाने वाली है। जुलाई में शुरू होने वाले मानसून सत्र में सरकार इलेक्ट्रिसिटी बिल 2021 को पेश करने और उसे पास कराने पर जोर दे रही है। इस बिल का उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को विभिन्न सर्विस प्रोवाइडर्स में से अपनी पसंद का प्रोवाइडर चुनने की आज़ादी देना है। ये ठीक वैसा ही होगा जैसा अभी मोबाइल ग्राहक अपनी पसंद की टेलीकॉम कंपनी पर अपना नंबर पोर्ट कराते हैं। ये बिल प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को लाइसेंस मुक्त बनाने, प्रत्येक आयोग में लॉ बैकग्राउंड वाले सदस्य की नियुक्ति, बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण यानी अपीलेट कोर्ट को मजबूत बनाने और उपभोक्ताओं के अधिकारों को निर्धारित करेगा। फूड डिलीवरी करने वाली कंपनियों के लिए आएगा एक नया कानून, 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने 1 जुलाई से स्विगी और जोमेटो जैसी फूड डिलीवरी कंपनियों के लिए मेन्यू पर प्रदर्शित सभी आइटम के न्यूट्रिशन वैल्यू और फूड एलर्जी को डिस्प्ले करना अनिवार्य बना दिया है। स्विगी और जोमेटो को अब अपने ऑनलाइन बेचे जा रहे भोजन पर मेन्यू लेबलिंग करनी होगी। FSSAI ने कहा कि सभी फूड डिलीवरी ऐप्स को अपने FBO यानी फूड बिजनेस पार्टनर्स को न्यूट्रिशन वैल्यू बताने के लिए निर्देशित करना होगा। FSSAI का नया नियम उन फूड बिजनेस ऑपरेटर्स पर लागू होगा जिनका वार्षिक टर्नओवर 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा और 10 से ज़्यादा उनके आउटलेट्स हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए बेचे जा रहे खाने में कितनी कैलोरी है और उसका क्या एलर्जन है, इसकी जानकारी ग्राहकों को उपलब्ध करानी होगी। GST काउंसिल की 28 जुलाई को बैठक होगी। ऑनलाइन गेम और कसिनो पर टैक्स लगाने के लिए फैसला होगा। GST काउंसिल की 47वीं बैठक 28-29 जुलाई को श्रीनगर में आयोजित होने जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी और सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसमें भाग लेंगे। इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें रेट रैशनलाइजेशन और ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, रेसकोर्स पर GST की दर को लेकर सौंपी गई रिपोर्ट पर फैसला होने की संभावना है। इस बैठक में GST प्रक्रिया को आसान बनाने के कुछ प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है। जल्द छिड़ेगी एयरलाइंस इंडस्ट्री में प्राइस वार क्योंकि शुरू होने वाला है आकाशा एयरलाइंस। जहां महंगे होते हवाई ईंधन के बीच जहां एक ओर हवाई किराया बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, वहीं दूसरी ओर एक नया प्राइस वॉर शुरू होने की उम्मीद बन रही है क्योंकि एक नई विमानन कंपनी आकाशा एयर जल्द ही अपना कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। राकेश झुंझुनवाला के निवेश वाली आकाशा एयर को अमेरिकी कंपनी बोइंग से गुरुवार को पहला 737 मैक्स विमान मिल गया है। DGCA ने 26 अगस्त 2021 को बोइंग 737 मैक्स एयरलाइन के परिचालन की अनुमति दी थी। इसके 3 महीने के बाद 26 नवंबर 2021 को आकाशा एयर ने बोइंग के साथ 72 मैक्स विमानों की खरीद का करार किया था। आकाशा एयरलाइन को कमर्शियल उड़ान परिचालन शुरू करने के लिए अगस्त 2021 में नागर विमानन मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल गया था। ह्युंडई ने उतारा वेन्यू का नया संस्करण, कितनी है कीमत चलिए बता देते हैं आपको। ह्युंडई मोटर इंडिया ने घरेलू बाजार में अपनी कॉम्पैक्ट हैचबैक कार वेन्यू का नया संस्करण पेश किया है। दिल्ली में इसकी एक्स शोरूम कीमत 7,53,000 रुपये है। ह्युंडई की वेन्यू का सीधा मुकाबला इसी श्रेणी में मारुति सुजुकी की ब्रेजा, टाटा मोटर्स की नेक्सन और किया की सोनेट से होगा। ह्युंडई के अनुसार 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन वाले मॉडल की कीमत 7,53,000 रुपये से शुरू होगी जबकि 1 लीटर टर्बो पेट्रोल मॉडल की शोरूम कीमत 9,99,000 रुपये होगी। वेन्यू के डीजल मॉडल की शुरुआती कीमत भी 9,99,000 रुपये रखी गई है। चलिए अब नज़र डालते हैं IPO अपडेट्स पर। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी एथर एनर्जी भी शेयर बाजार में लिस्ट होने की योजना पर काम कर रही है। कंपनी ने IPO के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। एथर भारत की एक प्रमुख इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी है जिसकी स्थापना 2013 में तरुण मेहता और स्वप्निल जैन ने की थी। एथर ने IPO पर चर्चा के लिए हाल ही में प्रमुख घरेलू और विदेशी इन्वेस्टमेंट बैंकों के साथ मुलाकात की है। वॉलमार्ट समर्थित पेमेंट कंपनी फोनपे ने गुरुवार को कहा कि उसकी अभी IPO लाने की कोई योजना नहीं है। कंपनी ने कहा कि उसका कोर बिजनेस प्रॉफिटेबल जब बन जाएगा उसके बाद ही वो IPO लाने पर विचार करेगी। फोनपे की स्थापना 2015 में हुई थी जिसे 2016 में फ्लिपकार्ट ने खरीद लिया था। इसकी होल्डिंग कंपनी अभी सिंगापुर में रजिस्टर्ड है जिसे भारत में लाने की प्रक्रिया चल रही है।
तो ये थी आज की तमाम बड़ी और ज़रूरी खबरें, महत्वपूर्ण खबरें, वो खबरें जो डालती हैं आपकी जेब, आपकी ज़िंदगी पर असर। तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को देख रहे हैं वहाँ मनी नाइन के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।